नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर साउथ के बर्रा क्षेत्र में रहने वाले मनीष गुप्ता पेशे से प्रॉपर्टी व्यापारी हैं। मनीष अपने दोस्तों हरवीर व प्रदीप के साथ गोरखपुर घूमने गए थे, जहां पर वह होटल कृष्णा पैलेस में रुके थे। मनीष रात में सो रहा था, तभी रात तकरीबन 12:15 बजे पुलिस परिश के कमरे में चेकिंग के लिए आ पहुंची। चेकिंग के दौरान मनीष के दोस्तों ने सभी को अपने एड्रेस प्रूफ दिखा दिए, लेकिन नशे में धुत पुलिसकर्मी गालियां बकने लगे। तभी मनीष की नींद खुल गई और उसने पुलिस वालों से सिर्फ इतना ही कह दिया कि हम लोग कोई आतंकवादी नहीं हैं। सिर्फ इतना सुनते ही पुलिसकर्मी मनीष के ऊपर टूट पड़े और कमरे से मारते पीटते घसीटते होटल के बाहर ले आए, जिसके बाद मनीष मरणासन्न हो गया, जिस पर आरोपी पुलिस वाले उसे अपनी गाड़ी में डालकर ले गए। मनीष की पत्नी मीनाक्षी अपने पति का पार्थिव शरीर लेकर अब अपने आवास आ चुकी है और उसने यह मांग रखी है कि सीएम योगी उनसे मुलाकात करे व उनसे मनीष के साथ की गई हैवानियत से रूबरू कराना चाहती है। आपको बता दें कि कल सीएम योगी कानपुर के डीएवी ग्राउंड में जनसभा करने वाले हैं। आपको बता दें, यूपी के गोरखपुर में व्यापारी की हत्या के मामले में कानपुर पुलिस कमिश्नर आसिम अरुण मृतक व्यापारी मनीष के कानपुर स्थित बर्रा आवास पहुंचे। यहां कमिश्नर की मुलाकात लगभग 1 घंटे तक चली। इसके बाद स्थानीय सपा नेता विजय गुप्ता ने कमिश्नर के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए न्याय दिलाने की गुहार लगाई। वहीं मृतक के चाचा ईश्वर चंद्र गुप्ता ने मृतक व्यापारी मनीष की पत्नी को सरकारी नौकरी और 50 लाख मुआवजे की मांग की है। वहीं पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें यहां भेजा गया है। परिजनों को कल मुख्यमंत्री के आगमन के बाद उनसे मुलाकात भी कराई जाएगी। अब इस मामले में परिजन अपने रिश्तेदारों के आने के बाद अंतिम संस्कार करेंगे, साथ ही जो अन्य मांग है वो मेरे स्तर के ऊपर है, ऐसे में उनकी बात की सुनवाई ऊपरी स्तर से होगी। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर संवाददाता मानसी श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। न्याय मिल जाए उनके जो मुजरिम हैं, जिन्होंने उनकी हत्या करी है, उनकी सिर्फ नौकरी ना हटे, उनको जो एक हत्यारे की प्रक्रिया आम नागरिक होता है उसको जो दंड मिलता है वही दंड चाहिए। सरकारी जो अधिकारी होते हैं उनके दंड अलग होते हैं, आम लोगों के दंड अलग होते हैं। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे आम लोगों वाला ही दंड चाहिए, क्योंकि सरकारी में दंड कम होता है, आम में ज़्यादा होता है। मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे आम नागरिक की तरह ही उन्हें दंड चाहिए, बल्कि अधिकारियों को ज़्यादा होना चाहिए कि वो ड्यूटी पे होते समय ड्रिंक करी और मेरे पति को मारा है उन्होंने, हत्या कर दी वहीं पे, इलाज तक नहीं कराया, कुछ भी नहीं, एक ट्रीटमेंट करा देते तो शायद आज मेरा पति मेरे पास होता, क्योंकि वो डर गए थे धारा 307 ना लग जाए, राइट? वो डर गए थे धारा 307 ना लग जाए, क्योंकि उसमें लग गई तो गवाही मनीष दे देंगे, तब तो उनको गड़बड़ हो जाएगी, तो उन्होंने हत्या ही कर दी। क्या सबूत पेश करो और जीत के दिखाओ, और केस तो लंबे चलते हैं, इसीलिए आप लोग से अपील है कि केस लंबा मत चलने दो। आप ट्वीट करोगे, जितना ही आप अधिकारियों तक मेरी बात पहुंचाओगे उतनी ही वो जल्दी काम होगा, वरना कल आप लोग के साथ के बगैर क्या मैं 12 घंटे में वो काम कर पाती जो कई दिन लग जाते हैं। इस प्रकरण में पुलिस को कितना दोषी मानती है? पूरा पूरा, ये तो क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए। पुलिस ने ही उन्होंने कहा कि हम निष्पक्ष जांच करेंगे, मैंने कहा सीएम साहब की कॉल आई, फिर उसके बाद बोला मैं निष्पक्ष जांच करूंगा, पहले तो केस नहीं लिया था, सीएम साहब की कॉल के बाद उन्होंने हमारा केस ले लिया, दर्ज कर लिया, थोड़ा रद्दो बदल करके किया बट कर लिया, ठीक है, एक एक कदम हम भी बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं हम जिद पे अड़े हैं, बट हाँ न्याय तो चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है ना हम न्याय नहीं मांगेंगे, तो ये आज का तो है नहीं, थोड़ा आगे जाएगा तो उसमें बस साथ देते रहिएगा, हम करते रहेंगे। देखिए उन्होंने कल जितना सहयोग किया कार्रवाई में, मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ, ये बात मैंने कल भी बोली थी, उनके सबूत मिट जाने से मैं बहुत नाराज़ हूँ,
उन्होंने जिस तरह रिपोर्ट ली है उससे नाराज़ हूँ, लेकिन उन्होंने हमारा थोड़ा सहयोग किया इसलिए मैं संतुष्ट हूँ क्या उन्होंने सहयोग किया। उन्होंने मुझे सांत्वना दी है कि बच्चे के लिए वो कुछ करेंगे। 10 और आरसीबी में 50,000 50 लाख रुपए की मदद की। और केस ट्रांसफर की क्या मांग है? ट्रांसफर कंफर्म किया जाए। ऐसा क्यों केस ट्रांसफर की मांग क्यों कर रहे हैं? केस ट्रांसफर के बाद हम पैरवी नहीं कर पाएंगे, जा पाएंगे वहाँ से, इसलिए कैसे जाएगी सर? बॉडी कब तक नहीं उठेगी जी? ये बॉडी कब तक नहीं उठेगी? बॉडी तो ये चाहिए जब प्रशासन के लोग आए हैं, हमारी बात सुन ले, मुझे आश्वासन दे। अभी तो जैसे उनकी मांग थी कि हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे, हमारा कहना ये था कि प्रशासन के लोगों ने मारा, पुलिस के लोगों ने मारा, तो सरकारी नौकरी की व्यवस्था होती है, जैसे अन्य लोग मरते हैं उनको नौकरी दी जाती है, ऐसे ही मारा सरकार के लोगों ने। परिवार से बातचीत हुई है? क्या बातचीत हुई है? जैसे उनकी डिमांड थी वो चलता ही रहेगा, इनका जानते ही। सर इंडिया न्यूज़ ऊपर करो। कौन बोल रहा है यार? आप कर लो भैया, जब सब शांत हो जाए तब बोलो। रोल सर। सर क्या परिवार से बातचीत हुई? माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हुए और मैंने आकर के परिवार से बृहद स्तर पे गहराई से लंबी बातचीत की, जो परिवार का कष्ट है उसको समझने की कोशिश की। मुख्यमंत्री जी ने ये इच्छा व्यक्त की है, कल वो आएंगे कानपुर और परिवार मिलना चाहता था, सो परिवार को हम लोग कल भेंट कराएंगे। जो डिमांड्स परिवार की हैं, मैं समझता हूँ बहुत वाजिब हूँ कि निष्पक्षता से इसमें जांच की जाए। इसके ऊपर आगे निर्णय मेरे स्तर पे नहीं है, इसलिए मैं नहीं कुछ कह सकता। जो मुआवजा या नौकरी की बात की गई है वो भी बताई गई है, उसको हम तत्काल शासन को अवगत करा रहे हैं और उसके लिए अनुरोध भी करेंगे कि निर्णय इसका सानुभूतिपूर्वक किया जाए। सो घटना बहुत दुखद है, परिवार की आवश्यकताएं भी बहुत वास्तविक हैं और सभी लोग परिवार के साथ हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी आएंगे परिवार से। सर एक मांग उनकी यह है कि केस यहाँ ट्रांसफर किया जाए कानपुर में, तो क्या मांग गई और बॉडी क्रिमेशन के लिए जाएगी? ये केस ट्रांसफर का निर्णय तो मेरे स्तर पर नहीं हो सकता। जी जी, कल माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे तो उनके सामने बात रखी जाएगी। केस ट्रांसफर होते हैं लेकिन ऐसे नॉर्मली नहीं होते हैं कि गोरखपुर से कानपुर केस ट्रांसफर हो, विशेषज्ञ एजेंसी को ट्रांसफर होते हैं, SIT को होते हैं। तो इस संबंध में डिमांड परिवार द्वारा की गई है, जो न्यायचित होगा मेरे ख्याल से कल। अच्छा बॉडी क्या ले जाने के लिए? मेन समस्या थी कि बॉडी नहीं लेकर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, परिवार से हमारी बातचीत हुई है, जो सामान्य अनुष्ठान आदि है वो पूरा होगा और कल मुख्यमंत्री से मुलाकात। संतुष्ट हो गए? ठीक हो।